करके नहीं चल रहे थे। पेटीएम, जी हाँ, ब्लॉक डील भी हुई है शेयर में और 10% ऊपर ये शेयर लॉक है सर्किट पे, 509 रुपए का भाव है और 8 फरवरी के बाद पहली बार ये 500 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि कंपनी को जल्द ही पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल सकता है आरबीआई से। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? क्या जो कंपनी है वो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर वापस गुहार लगा रही है कि उनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया जाए। मैं वापस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया हूँ क्योंकि इससे पहले भी कंपनी एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि आपके जो FDI अप्रूवल्स हैं नियमों के मुताबिक आपको पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब खबर ये आ रही है कि सरकार ने FDI मंजूरी को अप्रूवल दे दिया है, तो यानी कि एक हिस्सा जो मंजूरी का था वो पूरा हो गया है। अब सरकार ने बोला है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस जाइए और फिर से अप्लाई कीजिए जो ये लाइसेंस है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वापस अप्रूवल के लिए गुहार लगा सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान होगा जो इनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बिजनेस है वहां पर आरबीआई ने पहले रोक लगा दी थी और उसके बाद जो बिजनेसेस के जो माध्यम थे वो थोड़े कम हो गए थे, तो एक बार अगर ये पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस को मंजूरी मिल जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो बहुत सारे मर्चेंट्स को जोड़ पाएंगे और ये जो बिजनेस है वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार के लिए FDI की मंजूरी मिली है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि 10% की तेजी पेटीएम में, तो फंडामेंटल बिजनेस तो ठीक है। मतलब जो कुछ भी दिक्कतें आई थी इनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर, अब उससे उबरने की कोशिश कंपनी कर रही है। ठीक है, एक जरा व्यू लेते हैं इस पर। राजेश जी, आप टेक्निकल व्यू क्या देंगे? 500 रुपए के ऊपर निकलना कितना बड़ा ट्रिगर है? खबर तो पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो देखिए, नेगेटिविटी के चलते स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने देखे। अगर हम इसके थोड़े से लंबे अवधि के चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया और अब अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 3-4 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी मंथली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए, लेकिन नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक में यस एक मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 540-550 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल पे जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, ऑलरेडी स्टॉक तो अपर सर्किट है लेकिन जिनों के पास है वो कैरी कर सकते हैं पोजीशन को। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा 498 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा पेटीएम को लेकर। बाजार देखिए रिकॉर्ड हाई मारने के लिए बेताब है। मतलब जो कुछ चिंताएं थी बजट के बाद STT को लेकर, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि बजट में ऐसा कुछ बड़ा वो ट्रिगर नहीं है, मतलब वो कि बहुत बड़ी तेजी दे पाए, एक रेंज में ही रहेगा बाजार और नए ट्रिगर्स की तलाश करेगा, वो शायद अर्निंग से आ जाए। लेकिन देखिए क्या कमाल की तेजी आ रही है। मतलब रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 15 अंकों की दूरी रह गई है। किसने सोचा था, मतलब कल शाम तक, कल 3:30 बजे तक किसने सोचा था कि आज बाजार में हम इस तरह की चाल देखेंगे कि 24,400 से सीधे 24,850 के आसपास। ये एक सत्र में ये हो गया है। 25,000 इस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं कि 25,000 कब आएगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते वो भी हम देख लें, काफ़ी संभव है ये वो। लेकिन चलिए जरा BTST, STVD समझते हैं। अपने एक्सपर्ट के रडार पर बहुत सारे शेयर आ रहे होंगे। अमोल जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए BTST क्या करेंगे आप? जी, वैसे अगर हम देखा जाए तो काफी सारे चार्ट्स बुलिश साइड पे ही दिखा रहे हैं, बट मैं एक मेटल इंडेक्स आज परफॉर्म किया है, मुझे लगता है मंडे को भी वो कंटिन्यू रहेगा, तो मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। 162 के आसपास चल रहा है, 159 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये लग रहा है कि जो रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन में लग रहा है और 165-167 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। दूसरा भी मैं इंडेक्स स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा, भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। कल मैंने इसका ऑप्शन ट्रेड भी दिया था एक, बट काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल है, बुलिश कैंडल है, डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है। मुझे लगता है 1490 एक बेस रहेगा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए, उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में ये 1550-1560 तक के भी जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। 1550-1560
टेलीकॉम एक और